से 15 लोग आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। सारी चीज़ें मंदिर वंदिर तो मिल जाएगी आपको यहाँ पे, बिरयानी वगैरह। तो देखिए और आखिरी कोने तक आप देखेंगे कि जबरदस्त चीजें आपको मिलेंगी, अलबैक का आइटम मिल जाएगा। तो एक थोड़ा चाइनीज से बढ़ते हैं हम लोग, ये हो जाता है इनका चिली। सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शबी अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपने मेन्यू तो देख ही लिया है और आज हम आ गए हैं बॉम्बे मेजबान और अलबैक की मिक्स फ्रेंचाइजी के यहाँ, और ये पड़ता है गोमती नगर में MIT यूनिवर्सिटी के पास, जो कि इसका न्यू कैंपस है। तो आज हम यहाँ के कुछ जायकों को चखेंगे और यहाँ के टेस्ट को देखेंगे, यहाँ के एम्बियंस को देखेंगे कि किस तरीके का। ये वही बॉम्बे मेज़बान है जो विकास नगर में था, उन्होंने अपना शिफ्ट किया है MIT यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के पास। तो अब हम अंदर चलेंगे, इनके मेन्यू में देखेंगे क्या चेंजेस हुए, इनके जो एम्बियंस है उसमें देखेंगे क्या चेंजेस हुए। अभी तक MIT यूनिवर्सिटी के पास अभी तक कोई ऐसा फाइन डाइन और दरबार टाइप का कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो एक बोनस पॉइंट है यहाँ के लिए। अगर आप लोग यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं अंदर और यहाँ के एम्बियंस को देखते हैं, और हमारे सामने मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलेंगी वो हम ज़रूर देखेंगे। आइए हमारे साथ, आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है इनका रिसेप्शन और ये हो जाता है इनका वेटिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एरिया यहाँ पे इसलिए भी दिया गया है क्योंकि शाम होते होते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसलिए अगर अंदर फुल है तो यहाँ पे आप लोग कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। बाकायदा AC लगी है, ऐसा नहीं आप लोग गर्मी में परेशान होंगे। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, इनका पहले फाइन डाइन देखते हैं और उसके बाद दरबार भी यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैं यही से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फैमिली से पूरा फाइन डाइन है और काफ़ी बड़ी गैदरिंग। हालांकि अभी सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि अभी हम लोग दिन में शूट करने आए हैं और स्पेशल परमिशन लेके आए हैं कि हम लोग दिन में शूट करेंगे। और ये हो जाते करीब 4 इनके बड़े दरबार हो जाते हैं, जिनमें आराम से करीब 10 से 15 लोग आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ दरबार है, और अंदर का मैं आपको डेकोरेशन दिखा दूँ, कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। जो इसकी पेंटिंग है या फिर जो कलरिंग की गई है, कितने अच्छे खूबसूरत से बनाया गया है। तो दोस्तों हम लोग अपने दरबार में आ गए, मैंने आपको फाइन डाइन दिखा दिया। ये हो जाता है दरबार, जिसमें जैसे मैंने बताया कि 8 से 10 12 लोग फ्री आराम से आ जाएंगे। और ये हो जाते हैं कुछ इनके मेन्यू, ये एक है बॉम्बे मेज़बान का मेन्यू, ये हो जाता है अलबैक, क्योंकि दोनों की मिक्स फ्रेंचाइजी है तो दोनों आपको मेन्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आइए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये हो जाता है इनका बॉम्बे मेज़बान का मेन्यू, जिसमें आपको शोरबा से लेके तंदूरी स्टार्टर, चाइनीज़ और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए चाइनीज़ स्टार्टर है, चिकन स्टार्टर हैं, वेज स्टार्टर हैं, तंदूरी हैं, नूडल्स वगैरह हैं, सी फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें लेबनीज़ चीज़ आपको मिल जाएगी, इंडियन मेन कोर्स मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारी चीज़ें मंदिर वंदिर तो मिल जाएगी आपको यहाँ पर, बिरयानी वगैरह। तो एक एक चीज़ बताना पॉसिबल तो नहीं है। ये हो जाता है इनका, ये हो जाता है इनका अलबैक का मेन्यू। तो अलबैक में देख लेते हैं क्या है। हालांकि अलबैक कोई पहचान का मोहताज नहीं है, जिसमें आपको बहुत सारे बिग बकेट मिल जाएंगे, आपको सिंगर मील बॉक्स मिल जाएगा, कई तरीके इनके मील बॉक्स वगैरह हैं, वैरायटी ऑफ बकेट्स हैं। और ये हो जाते हैं इनके कुछ हैदराबादी बिरयानी, फ्राइड राइस टाइप, कोरियन आपको मिल जाएगा, पेरी पेरी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी हैं जो मतलब अलबैक के आप मेन्यू में देखते हैं या फिर TV वगैरह में आपने देखा होगा, तो सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। पिज्ज़ा वगैरह भी सब मिल जाएगा आपको, कुछ शेक्स वगैरह हैं, ये कुछ डिप्स हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये मिलेंगी। और अभी जैसे ही हमारे सामने दस्तरखान सज जाएगा, उस चीज़ को भी हम दिखाएंगे कि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस जैसे ही हमारे सामने चीज़ें आती हैं, हम मिलते हैं आपसे तब। तो दोस्तों दरबार में हम लोग आ गए हैं, बॉम्बे मेज़बान में आ गए हैं, बॉम्बे मेज़बान प्लस अलबैक में हम मिक्स जो फ्रेंचाइजी उसमें हम आ गए हैं, और हमारे सामने दस्तरखान सज चुका है। और यहाँ से लेके और आखिरी कोने तक आप देखेंगे कि ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलेंगी, अलबैक का आइटम मिल जाएगा प्लस बॉम्बे मेज़बान का आपको मेन कोर्स, चाइनीज़, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो हमारे साथ हमारे भाई हैं यहाँ के, तो हम इनसे पता करेंगे कि इन्होंने हमारे सामने क्या क्या चीज़ें सजाई हैं। तो ये लगता है कि पनीर टिक्का, जी, ये हो जाता है पनीर टिक्का हो जाता है आपका। तो भाई मैं कहीं नाम अगर मैं गलत लूँ तो मुझे एक बार टोक दिएगा जी। और ये हो जाता है इनका चिकन अफगानी, चिकन अफगानी हो जाता है ये। तो ये हो जाता है, हालांकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैंने मंगाया है, ये मैं सोचिए इनकी क्वांटिटी ये रहती है, लेकिन सिर्फ शूट के लिए मैं थोड़ा थोड़ा मंगा लिया था। और ये हो जाता है कौन सा चिकन भाई, ये तंदूरी भट्टी मुर्गे, तंदूरी भट्टी मुर्ग, भट्टी मुर्ग, अच्छा। तो ये हो जाता है तंदूरी भट्टी मुर्ग हो जाता है, और ये हनी चिली पटाटो हो जाते हैं, ये चाइनीज आइटम में आ जाएगा आपका। भाई मैं कहीं गलत नाम लूँ तो मुझे ज़रूर टोक दिएगा। ये हो जाता है हनी चिली पटाटो,
और एक चाइनीज आइटम आपको यहाँ मिल जाएगा, हो जाता है ये, क्या नाम बताया आपने, चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली हो जाता है, और ये हो जाता है चिकन फ्राइड राइस हो जाते हैं, और यहाँ पे ये हो जाता है चिकन नूडल्स, और यहाँ से हमको जरा यहाँ पे मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मटन कौरमा से, ये हो जाता है मटन कौरमा, हांडी मटन, ये हो जाता है हांडी मटन, ओहो ये हो जाता है आपका हांडी मटन, मटन रोगन जोश, और ये हो जाता है मटन रोगन रोगन जोश है, और ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है कढ़ाई चिकन, ये चिकन हांडी सर, ये चिकन हांडी, ओहो ये चिकन हांडी हो जाता है। अच्छा ये पूरा सब आइटम जो लगे हैं सारी चिकन है या किसमें कुछ बीच में चेंज है, ये पनीर हो गया सर आपका, ये पनीर है, ये पनीर कौन सा कहलाता है, पनीर काली मिर्च, पनीर काली मिर्च ग्रेवी है। अच्छा यार ये नाम तो मैंने पहली बार सुना, वैसे चिकन काली मिर्च तो मैंने सुना था, लेकिन आपने बनाया है पनीर काली मिर्च, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कढ़ाई चिकन हो गया, ये हो जाता है कढ़ाई चिकन, जी जी ये पनीर का शायद आइटम मुझे ये भी लग रहा है ना, ये सर जी जी ये हांडी चिकन, ये हांडी पनीर जी। अच्छा और यहाँ की पहचान मैं आपको दिखा दूँ, ये भाई ये हो जाती है इनकी मंदी जो मिक्स मंदी कहलाती है, और मिक्स मंदी में भी करीब को एक दो तीन चार चार, और ये मुझको मटन लग रहा भाई, ये मटन है ना ये, जी सर हाँ मटन है सर, तो ये हो जाती है इनकी मिक्स मंदी जो करीब पड़ेगी आपको 1499 की, प्लस चार ड्रिंक्स हमारे सामने हैं, और कुछ मुख्तलिफ तरीके की कुछ रोटी उनके यहाँ ब्रेड्स वगैरह हैं जैसे रोटी कहते हैं, बटर नान हो जाती है, और मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी हो जाती है, लच्छा पराठा, लच्छा पराठा हो जाता है। अब आते हैं अलबैक के आइटम पे, तो पहले तो भाई आपको मैं नाम दिखा दूँ, ये हो जाता है अलबैक जो कि एक गल्फ रेडी का एक बहुत ही ना जाना पहचाना ब्रांड है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ ये हो जाती है इनके अलबैक का चिकन स्ट्रिप जो कि बोनलेस है, और ये हो जाता है इनका चिकन लॉलीपॉप काफी क्रिस्पी है, और ये हो जाता है इनके चिकन पॉपकॉर्न, और ये हो जाते हैं इनके चिकन नगेट्स। तो शुक्रिया भाई बहुत बहुत आपका हमको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराने के लिए, थैंक यू, और अभी इसको टेस्टिंग भी करते हैं, इसको देखेंगे कि टेस्ट में कैसा है, एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यहाँ का अगर कोई नंबर मुझको मिलता है यहाँ पे तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो अभी से कुछ ही देर में हम इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके अलबैक वाला आइटम से, अब देखना ये है कि ये अलबैक वहाँ के अलबैक से कितना सिमिलर है, तो काफ़ी खाने में क्रंची है, और क्रंचीनेस जो है मुंह में जाने के बाद मतलब सॉफ्ट भी फील आ रहा है, और लग रहा है कि हाँ कोई हम रोस्ट चिकन खा रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, हालांकि मुंह में अभी मेरे चिकन है तो मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। ये हो जाता है इनका चिकन पॉपकॉर्न जो कि ब्रांडिंग में जरूर दिखा रहा हूँ कि वाह, और ये हो जाती है इनकी मिक्स मंदी, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ इसका प्राइस है 1499 रुपये, और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि अभी इनके यहाँ ये कुछ ऑफर चल रहा है कि यानी 14 से 21 के बीच ऑफर है, यानी आपका बिल अगर 999 रुपये होता है इनमें से आप कुछ भी आप लो, यानी कि आपका टोटल बिल 999 होता है, तो उससे आप एक अल्फाम मंदी ले सकते हो वो भी एक रुपये में, लेकिन ये ऑफर 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक थोड़ा चाइनीज से बढ़ते हैं हम लोग, ये हो जाता है इनका चिली चिकन, और हालांकि आए हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन लगता है कि अभी वो पूरा सॉफ्ट है, यानी कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है आपको जहाँ पे आपको अरबिक फूड मिलेगा, चाइनीज फूड मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा, और अरबिक फूड तो मिल ही रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यार इतना सारा खाना रखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ खाऊं किधर से, तो मैं सब चीज़ खाऊंगा अभी नहीं, खाली मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ मुख्तसर चीज़ें हमने आपके सामने मंगा ली हो, तो अभी तक एक मैं ये ले लेता हूँ, ये हो जाता है इनका हनी चिली पोटैटो, वाह, और अगर दोस्त यार के साथ आ रहे हैं तब एंजॉय करेंगे, बच्चे आपके साथ आ रहे हैं उनके लिए भाई पूरा पूरा मतलब चाइनीज आइटम है, आप अगर बच्चों को पसंद है, और ये हो जाती है इनकी मंदी, तो ये देखिए मैं खाली आपको यहाँ नज़दीक से दिखाना चाहूँगा आपको कि चावल देखिए, चावल में भी भाई क्वालिटी है, ऐसे नहीं कि आप पैसे ले रहे हैं तो कुछ गड़बड़ चीज़ दे रहे हैं, ये देखिए बाकी सारी आपको मिक्स मंदी मिल जाएगी, आपको उसमें कुछ डिप्स मिल जाएंगी आपको, और इसको रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार आपको ये दिखाऊं, ये थोड़ा सा पीस खा के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चिकन का एक पीस,
ये हो जाता है चिकन पीस, को मैं एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। वाह। तो भाई अगर आप लोग लखनऊ में रह रहे हैं या गोमती नगर के आसपास रह रहे हैं और ख़ास तौर से अगर आप MET के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपको खाली यहीं मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई चीज़ नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़। एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। It's not a game, it's a rich